हे गाइस, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करेंगे और कुछ नए नियम कानूनों की बात करेंगे, जहां पर नए नियम कानून बना दिए हैं नवोदय विद्यालय समिति ने, और उन नियम कानूनों पर आपकी क्या राय है? क्या आप सहमत हैं नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा बनाए गए उन नियम कानूनों से? तो उन्हीं में एक ऐसा रूल है जिसका नाम है सेम डिस्ट्रिक्ट रूल। अब सेम डिस्ट्रिक्ट रूल कहां तक सही है, इस बात पर आप जो है अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हो भाई, आप लोग कमेंट जरूर किया करो, ताकि हमारी जो आवाज है वो काफी दूर तक पहुंच जाए और मैं लोगों की बातें समझ पाऊं कि भाई लोगों को क्या चाहिए है और लोगों के मन में समस्याएं कहां पे आ रही हैं। सेम डिस्ट्रिक्ट रूल की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम सेम डिस्ट्रिक्ट रूल समझ लेते हैं कि सेम डिस्ट्रिक्ट रूल है क्या। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति से जुड़ी हर अपडेट आपको डेली डोज बॉक्स पर समय से मिलती रहेगी। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहते हैं, जहां पर आप फंसते हैं वहां पर राहुल चौधरी का वीडियो देख लीजिएगा, आपको उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो हम सेम डिस्ट्रिक्ट रूल की बात कर रहे हैं भाई, सेम डिस्ट्रिक्ट रूल कहाँ तक सही है, सेम डिस्ट्रिक्ट रूल लगाने की जरूरत क्या पड़ गई। उससे पहले हम सेम डिस्ट्रिक्ट रूल समझ लेते हैं कि सेम डिस्ट्रिक्ट रूल है क्या। देखो भाई, सेम डिस्ट्रिक्ट रूल ये है कि आपका बच्चा मान लो आपके जिले में पढ़ रहा है, क्लास 3rd, 4th, 5th, तीन क्लासेस जो है वो आपका बच्चा पढ़ता है, उसके बाद नवोदय विद्यालय में अप्लाई करता है, क्लास 6 में एप्लीकेशन डाले जाते हैं। देखो, 3rd, 4th से मतलब नहीं है, 3rd और 4th जो लोग ये कहते हैं कि 3rd, 4th से भी मतलब होता है, 3rd, 4th से बिल्कुल मतलब नहीं है। 3rd, 4th आप कहीं भी पढ़े ऑल इंडिया में, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रूरल और अर्बन के लिए 3rd, 4th से भी मतलब है। इस पर हम बाद में एक नया वीडियो बना देंगे कि रूरल और अर्बन कैसे हम सेट करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करेंगे, बिल्कुल आपको वीडियो मिलेगा। तो अगर आपका बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है और वो नवोदय विद्यालय में फॉर्म डालता है, तो जिस जिले में वो फॉर्म डाल रहा है उसी जिले की मार्कशीट चाहिए क्लास 5th की, ऐसे आप समझ लीजिए, उसी जिले की TC चाहिए। और इसी को उन्होंने सेम डिस्ट्रिक्ट रूल बोल दिया, यानी कि रेजिडेंशियल और एजुकेशनल दोनों जो डेटा है क्लास 5th के, वो आपके एक ही जिले के होने चाहिए। ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर एक ही स्कूल के होने चाहिए। नहीं, स्कूल आपका एक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 3rd कहीं से किया, 4th कहीं से किया, 5th कहीं से किया, नो मैटर। लेकिन आपका जिला जो है वो एक ही होना चाहिए, एजुकेशनल और आपका रेजिडेंशियल जो सर्टिफिकेट है वो एक ही होना चाहिए। तो ये कहां तक सही है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। किन किन लोगों से जो है इसमें नुकसान होता है, किन किन लोगों को इससे फायदा होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और मेरे हिसाब से इस रूल का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है काफी। मैं ये मानता हूं कि पर्सनली, मान लो कोई बच्चा अगर राजस्थान में पढ़ रहा है, जैसे मैं यहाँ फर्रुखाबाद में हूँ, तो मेरे बगल में मैनपुरी है, वहां पर बच्चे पढ़ते हैं फर्रुखाबाद के, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये उन बच्चों के साथ में अन्याय भी है। नवोदय विद्यालय समिति ने लगाया क्यों है, इसके पीछे का बहुत एक बड़ा रीज़न ये है कि पहले जब ये रूल नहीं था, तब बच्चे क्या करते थे, जो भी पेरेंट्स वगैरह क्या करते थे, उन्होंने पहले यहाँ पे डलवा दिया अपने ज़िले में, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया तो अगले साल उन्होंने दूसरे ज़िले से डलवा दिया। तो इस तरीके से वो रिपीटेशन काफ़ी हो रहा था, और इसी वजह से नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा सेम डिस्ट्रिक्ट रूल लगाया गया। ये रूल कहाँ तक सही है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं आपकी एक सर्टिफिकेट के बारे में, जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आप लोग लगाते हो जब एडमिशन के टाइम मांगा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो अपने ज़िले का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दो। बाई चांस देखो ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट बनवाने में समय लग जाता है, तो आपको वो सर्टिफिकेट उस समय देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उस सर्टिफिकेट की जगह क्या क्या दे सकते हो, ये मेरी कल बातचीत में मैंने की तो वहाँ पर क्लियर हो गया। देखो, सबसे पहले आप दे सकते हो अपना जो लाइट बिल है, ठीक है, अगर आपके पास लाइट बिल है आप पे करते हो, तो अगर आपके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है तो लाइट बिल की कॉपी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद राशन कार्ड आपका है अगर उस जिले का, तो आप उस जिले का राशन कार्ड दे सकते हो एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद बैंक की पासबुक दे सकते हो, ठीक है, और रेंट एग्रीमेंट यानी किराए वाला जो एग्रीमेंट है तो वो दे सकते हो। अगर आपका घर बना हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी है, वो भी आप दिखा सकते हो। इन सब चीज़ों से आप जो है अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं बन के आ पाया है और आपका एडमिशन रुक रहा है, तो ये सब चीज़ें आप लगा के अपना एडमिशन करवा सकते हो, और बाद में जब आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आ जाए तो उसको आप जमा कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कल जो है क्लियर की गई। तो आप बताइए कि भाई सेम डिस्ट्रिक्ट रूल कहाँ तक सही है,
और वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की आवाज़ हमेशा उठाऊंगा इस चैनल पे, जहां पर आपको नुकसान है, जहां पर आपको फ़ायदा है, दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।